जिला स्वास्थ्य समिति कन्नौज के तत्वावधान में पोलियो अभियान की शुरुआत की गई है। स्कूली बच्चों के साथ ही DIO डॉक्टर OP गौतम और चिकित्सा अधीक्षक सुधांशु दुबे सहित कई स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति में पोलियो अभियान की शुरुआत हुई और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया गया। साथ ही विनोद दीक्षित अस्पताल परिसर से नगर के विभिन्न मुख्य मार्गों से होते हुए एक रैली का आयोजन भी हुआ, जिसका समापन CMO ऑफिस कार्यालय में किया गया। कन्नौज से अमित मिश्रा की रिपोर्ट। किस प्रकार की रैली निकाली गई और इस रैली का उद्देश्य क्या है? ये पल्स पोलियो अभियान जो कि कल 10 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के 50 जनपदों में हो रहा है, जिसके तहत जनपद कन्नौज में भी कल पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा। और पल्स पोलियो अभियान में लोगों के को जागरूक करने के लिए ये पल्स पोलियो की जो रैली निकाली गई, इसमें स्कूल के बच्चे शामिल हुए, उनके अध्यापक टीचर्स भी रहे। और ये पल्स पोलियो पोलियो रोग के प्रति लोगों में जागरूकता आए और लोग बच्चों को अपने दवा पिलाएं पोलियो की, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को, इसीलिए जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली कहाँ से निकाली गई और नगर के किन किन जगहों पर जो है जाएगी? ये रैली विनोद दीक्षित चिकित्सालय कन्नौज, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कन्नौज हमारा है, जिसको विनोद दीक्षित चिकित्सालय कहते हैं, वहाँ से ये रैली, बच्चों की रैली फूलमती मंदिर से होते हुए और विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए मोहल्लों से वापस आकर के कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कन्नौज में उसका समापन हुआ। धन्यवाद।